आज हम सभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करना है। और ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वह क्लास 12th में भी इम्पॉर्टेंट है, नीट पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इतने इम्पॉर्टेंट चैप्टर को सही ढंग से समझें और उसको याद करने का कोशिश करें। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है तो सबसे पहले ब्रेन में आता है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे। तो इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वह टेस्टिस, सिंगुलर कहें तो टेस्टिस और प्लूरल में टेस्टस, सेकेंड में एक्सेसरी डक्ट्स, सेकेंड में जो आते हैं वह एक्सेसरी डक्ट्स, और थर्ड में एक्सेसरी ग्लैंड्स, और फोर्थ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इस चार कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं टेस्टस, ये प्लूरल फॉर्म में है और सिंगुलर में टेस्टिस कहते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इसका शेप कैसा है। तो शेप कैसा है, ओवल। इनके जो शेप है वह शेप कैसा है, ओवल। और लेंथ कितना है, 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है वह 2 to 3 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होता है कि इसके लेंथ और विड्थ का जो सेंटीमीटर में वैल्यू दिया हुआ है वह जनरली याद नहीं होता है। जब तक आप स्टडी करेंगे तब तक वह ब्रेन में रहता है, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर देखें लेंथ कितना है, 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है वह कितने हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर। तो अगर विड्थ को देखते हैं तो ये 2 है, और लेंथ में जो शुरू में देखते हैं तो ये क्या है, 4 है। तो ये 2 है, ये 4 है, इसका मतलब कितना कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो 2 से, तो 2 into 2 = 4। अब 4 में 1 अगर आप ऐड कर देते हैं तो 5 सेंटीमीटर, और 2 में 1 अगर आप ऐड कर देते हैं तो 3 सेंटीमीटर। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो इसके बेसिस पर आप लेंथ एंड विड्थ को याद कर सकते हैं। अब ये जो टेस्टिस होते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ये पाए कहाँ जाते हैं, तो एस्क्रोटम में। किसमें पाए जाते हैं, एस्क्रोटम। एस्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, और इनको एस्क्रोटम से बेनिफिट भी होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी का इंटरनल नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। और एस्क्रोटम में जो टेम्परेचर होते हैं वह इंटरनल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से या तो 2 डिग्री सेल्सियस कम होंगे या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होंगे। और ये जो डाटा हम आप सभी को बता रहे हैं ये क्लास 12 के बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक का है। तो सपोज डैट अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, अगर एस्क्रोटम की बात करें अगर 2 डिग्री कम होंगे, 2 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कहाँ मिलेंगे, एस्क्रोटम में। अगर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस तो कितने हो जाएंगे, 34.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर होते हैं वह एस्क्रोटम का होता है, और ये टेम्परेचर स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, तो एस्क्रोटम की बात हो गई। और जो टेस्टिस होते हैं उस टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, तो दो टेस्टिस में कितना होगा, 500 कंपार्टमेंट्स होगा। और टेस्टिस के कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं तो कहा जाता है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर होता है, तो यहाँ के लास्ट पॉइंट में हम सेकेंड लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि इस टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेंस 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कि प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर होता है वह 1 to 3 होता है। वह कितना होता है, 1 to 3
थ्री होता है। और जो लास्ट पॉइंट यहां देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किस में हो रहे हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किस में हो रहे हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहे हैं। तो इस सारे पॉइंट्स को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इसके पास टू टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेल जर्म सेल है और दूसरा क्या है, सर्टोली सेल। तो यहां पर देख रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, तो कौन कौन से हैं, तो मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल का अदर नेम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, और जो सेकेंड सेल है वह कौन है, सर्टोली सेल। तो ये जो मेल जर्म सेल जो होते हैं ये आगे चल के कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं, तो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो सेकेंड सेल देख रहे हैं सर्टोली सेल, तो ऐसे सर्टोली होता है, ऐसे सर्व्स भी होते हैं, ऐसे सर्वेंट भी होते हैं। तो ये जो सर्टोली सेल हैं, ये सर्व करेंगे, सर्व किस चीज का करेंगे, तो यहां पर देखिए कि सर्टोली सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जो सर्टोली सेल्स होते हैं वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, तो जर्म सेल को। तो सर्टोली सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ऐसा रीजन जो आउटसाइड है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरएस्टिशियल स्पेस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड रीजन होते हैं उस रीजन को क्या कहते हैं, इंटरएस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरएस्टिशियल स्पेस में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसको इंटरएस्टिशियल सेल कहते हैं, और इंटरएस्टिशियल सेल का अदर नेम क्या है, लेडिक सेल। अदर नेम क्या होता है, लेडिक सेल। और साथ में इस इंटरएस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो देख रहे हैं कि दिस इंटरएस्टिशियल स्पेस कंटेन इंटरएस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। और ये जो लेडिक सेल्स जो होते हैं ये इंडोक्राइन इन नेचर होते हैं, और जैसे इंडोक्राइन इन नेचर हो गए तो आप सभी समझ चुके होंगे कि हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, और लेडिक सेल से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उस हार्मोन का नेम क्या है, एंड्रोजन हार्मोन। और ये जो एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं वह मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर देखिए कि लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रेट्स एंड्रोजन हार्मोन, और एंड्रोजन हार्मोन कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ मेल। अब हम सभी एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, और इस एक्सेसरी डक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन नीट 2017 में आया था। तो सबसे पहले ये जान लें कि एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहले रेटेड टेस्टिस, सेकेंड में क्या आएंगे, वासा इफरेंसिया, थर्ड में क्या आएंगे, इपीडाइडाइमिस, और फोर्थ में क्या आएंगे, भास डिफरेंस। तो फर्स्ट में क्या है, रेटेड टेस्टिस, सेकेंड में भाषा इफरेंसिया, और भाषा इफरेंसिया का अदर नेम यहां पर देख रहे होंगे इफरेंट डक्ट्यूल्स लिखा हुआ है। तो भाषा इफरेंसिया याद रखें या इफरेंट डक्ट्यूल्स याद रखें, लेकिन या तो दोनों को रखना है नीट पर्पज से। और थर्ड में क्या है, इपीडाइडाइमिस, और फोर्थ में भास डिफरेंस। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप का आया था, क्वेश्चन ये था कि स्पर्म जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, अब जब उनका फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो गया तो वह किस किस पाथवे को फॉलो करते हैं। तो जो वहां पर चार ऑप्शन था ए बी सी डी, उसमें से जो ऑप्शन करेक्ट थे वह था, जो मैंने सेट देखा था उसमें ए ऑप्शन करेक्ट था। तो उसमें क्या था कि स्पर्म सबसे पहले रेटेड टेस्टिस में आएंगे, सेकेंड में इफरेंट डक्ट्यूल्स लिखा हुआ था, लेकिन भाषा इफरेंसिया के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो इसलिए इसका अदर नेम भी याद रखना है कि रेटेड टेस्टिस के बाद कहाँ पहुँचेंगे, इफरेंट डक्ट्यूल्स में, और इफरेंट डक्ट्यूल्स के बाद ईपी डाइडाइमिस में, और
लास्ट में कहाँ पहुँच रहे हैं, वास्ट डिफरेंस। ये तो एक्सेसरी डक्ट से रिलेटेड थे। और अगर आप सोचेंगे कि फाइनली तो वह पेनिस तक पहुँचता है, तो उसका भी सलूशन है कि वास्ट डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो इसका लास्ट पार्ट होता है, उसको एम्पुला कहते हैं। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास डिफरेंस से इसके टर्मिनल पार्ट एम्पुला तक पहुंचेंगे, और एम्पुला के बाद वह इजाकुलेटरी डक्ट में जाते हैं, और इजाकुलेटरी से वह कहां पहुंच जाएंगे, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से पेनिस में। अब हम लोग रेटेड टेस्टिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हुआ, उसके बाद वह जो स्पर्म है वह रेटेड टेस्टिस में आते हैं, और रेटेड टेस्टिस में आने के बाद उनका मूवमेंट कहाँ हो जाता है, भाषा इफेरेंसिया में। कहाँ मूवमेंट हो जाता है, भाषा इफेरेंसिया में। तो यहां पर जो रेटेड टेस्टिस को आप देख रहे हैं, यहां पर जो रेटेड टेस्टिस है, इस रेटेड टेस्टिस में पहुंचते हैं स्पर्म। कहां से पहुंच रहे हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। कहां से पहुंच रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो सपोज दैट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब ये स्पर्म कहाँ पहुंचा, रेटेड टेस्टिस में, और रेटेड टेस्टिस के बाद वह कहाँ पहुंचा देते हैं उसको, भाषा इफरेंसिया में। कहाँ पे पहुंच गए, भाषा इफरेंसिया में। तो स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ, उसके बाद हुआ रेटेड टेस्टिस में आए, और रेटेड टेस्टिस के बाद वह कहाँ पहुंचे, भाषा इफरेंसिया में। अब भाषा इफरेंसिया में जब स्पर्म्स आ जाते हैं, उनके बाद उनका मूवमेंट कहाँ होता है, ईपी डायडेमिस में। कहाँ पे हो जाता है, ईपी डायडेमिस में। इसको आप ऐसे भी आसानी से याद रख सकते हैं कि जैसे एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहले मैंने नेम किसका लिखा था, रेटेड टेस्टिस का। सेकेंड में किसका था, भाषा इफरेंसिया का। थर्ड में क्या था, ईपी डायडेमिस। और फोर्थ में क्या था, भास डिफरेंस। तो कहने का पर्पस क्या है कि स्पर्म तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने, उसके बाद हुआ रेटेड टेस्टिस में, रेटेड टेस्टिस के बाद कहां जाएंगे, भाषा इफरेंसिया में, भाषा इफरेंसिया के बाद वह कहां जाना पसंद करेंगे, ईपी डायडेमिस में, और ईपी डायडेमिस के बाद वह कहां जाना पसंद करेंगे, भास डिफरेंस में। अब आते हैं एक बार फिर से रेटेड टेस्टिस को देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना, रेटेड टेस्टिस में पहुंचा, और फिर वह कहां फाइनल पहुंच रहा है, भाषा इफरेंसिया में। और जब भाषा इफरेंसिया में स्पर्म आ जाते हैं, उनके बाद उनका मूवमेंट कहां होता है, ईपी डायडेमिस में। और जब वह ईपी डायडेमिस में आ जाते हैं, तो ईपी डायडेमिस के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इट इज लॉन्ग क्वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग है, क्वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और जो एक सेकेंड पॉइंट है इनके बारे में, इट स्टोर्स नॉन मोटाइल एंड इमेच्योर स्पर्म वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। ये स्टोर्स करते हैं, किसको स्टोर्स करते हैं, ऐसे स्पर्म को वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो नॉन मोटाइल इन नेचर है और इमेच्योर है। और जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वह ईपी डायडेमिस से कहां चले जाते हैं, तो वास डिफरेंस में। कहां पहुंच जाएंगे, तो वास डिफरेंस में। और जब वास डिफरेंस में स्पर्म्स आ जाते हैं, तो उनका मूवमेंट होता है एम्पुला में, और एम्पुला से वह कहां जाना पसंद करते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। कहां जाना पसंद करेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट। तो भास डिफरेंस से एम्पुला, एम्पुला से इजाकुलेटरी डक्ट, और उसके बाद यूरेथ्रा, और लास्ट में पेनिस। और लास्ट में कहां पहुंच जाते हैं, पेनिस। और अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप का केस है, तो पेनिस से फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में वह पहुंच जाते हैं। तो इसको अगर 30 सेकेंड में ब्रेन में रखना चाहे, तो स्पर्म बना कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, कहां आया, रेटेड टेस्टिस में, देन आफ्टर रेटेड टेस्टिस के बाद कहां आएंगे, भाषा इफरेंसिया में, भाषा इफरेंसिया के बाद ईपी डायडेमिस में, और उसके बाद कहां पहुंच रहे, भास डिफरेंस में। और भास डिफरेंस से आगे अगर बढ़ना है, तो एम्पुला, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, और पेनिस के बाद वह रिलीज्ड आउट हो जाएंगे। अब हम सभी एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, और एक्सेसरी ग्लैंड से रिलेटेड जो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से रिलेटेड है। तो एक्सेसरी ग्लैंड में जो कहा गया है कि इसमें सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आते हैं। तो क्या क्या आ गए, सेमिनल वेसिकल्स, सेकेंड में क्या गए,
फर्स्ट में सेमिनल वेसाइकल्स, सेकेंड में प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो एक्सेसरी ग्लैंड है ये कंस्टिट्यूट करते हैं किसको, तो सेमिनल प्लाज्मा को। ये कंस्टिट्यूट किसको करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा को। और जो सेमिनल प्लाज्मा होते हैं वह किससे बने होते हैं, तो फ्रुक्टोज से। किससे बने होते हैं, फ्रुक्टोज से, कैल्शियम आयन और साथ में एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। और जब सेमिनल प्लाज्मा एस्पर्म के साथ हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इनको क्या कहा जाता है, सीमेन। तो देखते हैं इसको कि सेक्रेशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स आर कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ कैल्शियम आयन, फ्रुक्टोज एंड एंजाइम। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म क्या हो गए, सीमेन। और जो लास्ट पॉइंट देख रहे हैं कि सेक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। जो सेक्रेशन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का वह किसमें हेल्प करता है, तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। किसमें हेल्प करता है, तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। अब हम सभी मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में स्टडी करेंगे। पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाता है। पेनिस इज कॉल्ड मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो यहां पर देख सकते हैं कि पेनिस इज कॉल्ड मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और सेकेंड पॉइंट में क्या है कि ये जो बने होते हैं वह स्पेशल टाइप के टिश्यू से बने होते हैं। और ये जो स्पेशल टाइप के टिश्यू जो होते हैं इनको इरेक्शन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, इरेक्शन। और इरेक्शन का नीड कब होता है, जब इनसेमिनेशन, जब इनसेमिनेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहां क्या देख रहे हैं कि इट इज अ मेडअप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग इनसेमिनेशन। तो इनसेमिनेशन किसको कहते हैं, तो रिलीज ऑफ सीमेन को क्या कहते हैं, इनसेमिनेशन। और जो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस, पेनिस का जो इनलार्ज्ड एंड होता है, पेनिस का जो इनलार्ज्ड एंड होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। पेनिस का जो इनलार्ज्ड एंड होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। तो सबसे पहले पेनिस को क्या कहते हैं, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस को क्या कहते हैं, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और ये जो पेनिस होते हैं वो स्पेशल टाइप टिश्यू से बने होते हैं, स्पेशल टिश्यू के बने होते हैं। और ये जो स्पेशल टिश्यू होते हैं इनको इरेक्शन में हेल्प करते हैं, कब, जब सीमेन को रिलीज करना होता है। उसके बाद ये जो पेनिस है इसका जो इनलार्ज एंड होता है इसके इनलार्ज एंड को क्या कहते हैं, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंड्स पेनिस। और जो लास्ट में देख रहे हैं यहां पर, इट इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। इट इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। हम सभी तीन ऐसे टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें कंफ्यूजन काफी होता है, जिसमें से फर्स्ट जो है वह आपका एस्परमेटोजेनेसिस, सेकेंड एस्परमियोजेनेसिस और थर्ड एस्परमिएशन। तो एस्परमेटोजेनेसिस, तो अगर एस्परमेटोजेनेसिस की बात करें तो एस्परमेटो मीन्स क्या होता है, एस्परमेटोजोआ और एस्पर्म, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्म और एस्परमेटोजोआ क्या कहलाएंगे, एस्परमेटोजेनेसिस। तो यहां पर देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्म और एस्परमेटोजोआ आप कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड में एस्परमियोजेनेसिस, तो एस्परमेटोजेनेसिस और एस्परमियोजेनेसिस में क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं, यहां पर मेटोजेनेसिस है और यहां मियोजेनेसिस है। तो एस्परमियोजेनेसिस के केस में क्या कहा जाता है कि जब एस्परमेटिड्स कन्वर्ट्स किसमें हो जाते हैं, एस्पर्म में। किसमें कन्वर्ट्स हो जाएंगे, एस्पर्म में, तो क्या कहलाएंगे, एस्परमियोजेनेसिस। और जो नेक्स्ट जो देख रहे हैं एस्परमिएशन, तो एस्परमिएशन के केस में कहा जाता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जब फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एस्पर्म का, कहां पे हो रहा है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एस्पर्म जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एस्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एस्परमिएशन। तो यहां पर जो देख रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, फॉर्मेशन एस्पर्म का होगा, अब वह एस्पर्म क्या होगा, रिलीज होगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एस्परमिएशन। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करेंगे
स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले ब्रेन में ये आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। तो आप सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होते हैं वह कहाँ होते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसके फोर फेज हैं। कितने फेज हैं, फोर फेज हैं। तो फर्स्ट जो फेज है उसको कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन फेज, इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। फर्स्ट फेज को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। और सेकेंड जो फेज है इसको कहा जाता है ग्रोथ फेज, इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज। और जो थर्ड फेज है इसको कहा जाता है मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज। और जो फोर्थ फेज है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फेज, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल फेज कितने होंगे, फोर। फर्स्ट में मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड में क्या गए, ग्रोथ फेज, थर्ड में मैच्यूरेशन फेज, और फोर्थ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज। तो एम जी एम टी, तो फर्स्ट एम फॉर मल्टीप्लीकेशन फेज, जी फॉर ग्रोथ फेज, सेकेंड एम फॉर मैच्यूरेशन फेज, एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फेज। अब हम लोग स्टडी करेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन फेज के बारे में। तो अभी तक हम लोग जो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो प्लस जेनेसिस, स्पर्मेटो मीन्स स्पर्मेटोजोआ, एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये कहाँ होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। और इसके कितने फेज हैं, तो फोर फेज हैं। फर्स्ट आपका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड ग्रोथ फेज, और थर्ड मैच्यूरेशन फेज, और फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन फेज को। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्मिनल इपिथीलियल टिश्यू बनाते हैं। तो अगर ये जर्मिनल इपिथीलियल टिश्यू हैं तो ये किससे बने होंगे, सेल्स के बने होते हैं। तो इनके सेल्स को यहां पर कहा जाता है प्राइमोडियल, प्राइमोडियल जर्म सेल। और इस प्राइमोडियल जर्म सेल के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, तो 46 हैं। कितने क्रोमोजोम हैं, तो 46 हैं। अब इनके पास तो 46 क्रोमोजोम है, सपोज सभी के पास कितने हैं, 46 हैं। और ये सेल कौन है, प्राइमोडियल जर्म सेल। और आपस में ग्रुपिंग हुआ तो टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिए। अब इसमें से एक सेल के बारे में जब डिस्कशन करें तो इसमें होता है माइटोसिस। इसमें क्या होता है, माइटोसिस। और आप सारे स्टूडेंट जानते हैं कि जब माइटोसिस होंगे तो वन पेरेंट से टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और डॉटर सेल्स में क्रोमोजोम्स का नंबर सिमिलर होता है किसके कंपेरिजन में, तो पेरेंट सेल के कंपेरिजन में। तो माइटोसिस हुआ, तो जब माइटोसिस होगा तो टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और बोथ डॉटर सेल के पास सिमिलर नंबर क्रोमोजोम्स होंगे किसके कंपेरिजन में, किसके कंपेरिजन में, तो पेरेंटल सेल के कंपेरिजन में। अब ये जो दो आप सेल देख रहे हैं, अब इस दोनों सेल में फिर से माइटोसिस हुआ। मान लीजिए ये फर्स्ट सेल में माइटोसिस हुआ, तो फिर यहां से एक से दो सेल, 46 46। फिर उसके बाद आप जो देख रहे हैं कि जो दूसरा सेल है, सेकेंड सेल है, इसमें भी क्या हुआ, तो माइटोसिस हुआ। इसमें क्या हुआ, तो माइटोसिस हुआ। और इसमें भी टू सेल का फॉर्मेशन हुआ। कितने सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो टू सेल। तो कहने का मतलब कि जो ये प्राइमोडियल जर्म सेल है, इसमें एक सेल में माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस में एक से दो सेल बनते हैं, तो दो सेल बन गए। सिमिलर नंबर क्रोमोजोम्स होता है, तो सिमिलर नंबर क्रोमोजोम भी प्रेजेंट है। फिर इस दोनों सेल में माइटोसिस हुआ, तो दो सेल से कितने बन गए, चार सेल। जो फर्स्ट सेल है इसमें माइटोसिस हुआ, तो दो सेल। जो सेकेंड है फिर इसमें माइटोसिस हुआ, तो दो सेल। तो टोटल कितने बन गए,
चार सेल। तो इसी ढंग से इसमें मल्टीप्लीकेशन होते रहता है, जैसे एक सेल है तो दो हो गया, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, वन से टू, टू से फोर, फोर से एट, एट से सिक्सटीन, सिक्सटीन से थर्टी टू, थर्टी टू से सिक्सटी फोर। तो टू का मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लीकेशन फेज भी कहते हैं। एक्चुअली इसका नेम क्या है? मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। अब इस मल्टीप्लीकेशन फेज में जो देख रहे हैं कि यहां पर जो फोर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ या जो भी सेल्स बन रहे हैं, तो इस सभी सेल को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा कि प्राइमोडियल जर्म सेल कन्वर्ट्स इनटू स्पर्मेटोगोनिया विथ द हेल्प ऑफ माइटोसिस। आप लिख सकते हैं कि प्राइमोडियल जर्म सेल कन्वर्ट्स इनटू स्पर्मेटोगोनिया विथ द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट फेज क्या है? तो ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में हम लोग क्या देखेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, अब उसमें नेम के अकॉर्डिंग वर्क होगा। तो क्या वर्क होगा? तो उनका ग्रोथ होगा। और जब स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ होगा तो उससे फॉर्मेशन होगा किसका? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। फॉर्मेशन किसका होगा? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। तो क्या देखेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया कहां बने? तो मल्टीप्लीकेशन फेज में। अब उनका ग्रोथ होगा, तो चलिए ग्रोथ होगा तो हेडिंग क्या कर दिए? ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। अब इस ग्रोथ फेज में जो स्पर्मेटोगोनिया है, इस ग्रोथ फेज में जो स्पर्मेटोगोनिया है, तो जैसे मान लीजिए कि 46 क्रोमोजोम, ये हैं हमारे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब जो ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ कब होगा? तो न्यूट्रिशन जम के लेंगे, टेक मोर न्यूट्रिशन, टेक मोर न्यूट्रिशन, और जम के न्यूट्रिशन लेंगे और रेस्ट करना पसंद करेंगे। तो खाइए जम के और आराम से बेड पर आप लेटे रहें, तो धीरे धीरे आपका सेफ साइज जो होगा स्पेशली स्टोमेक का, वह काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। तो सेम केस यहाँ होता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये न्यूट्रिशन जम के लेते हैं और रेस्ट कंडीशन में रहते हैं, तो उस स्टेज में इनका जो स्ट्रक्चर है वह चेंज हो जाता है। अब देख रहे हैं ये जो इनका साइज है, इसके कंपेरिजन में ये साइज काफ़ी बड़ा है। तो अब इनका नेम क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटो साइट। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटो साइट। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट्स इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आफ्टर टेकिंग मोर न्यूट्रिशन, आफ्टर टेकिंग मोर न्यूट्रिशन। अब हम लोग नेक्स्ट फेज देखेंगे, थर्ड फेज, जो कि मैच्योरेशन फेज है। तो मैच्योरेशन फेज को समझने के लिए आप सभी को ब्रेन में रखना पड़ेगा मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंटल सेल जो होते हैं उसमें जब मियोसिस होगा तो वह पेरेंटल सेल टू टाइम डिवाइड्स करते हैं, और जब टू टाइम्स डिवीजन होता है तो उससे फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल वे में कहें कि एक सेल में जब मियोसिस होगा तो फाइनली उससे फोर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और जो भी सेल्स फॉर्म करेंगे तो उसमें क्रोमोजोम्स का नंबर क्या होगा? हाफ होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मियोसिस के केस में क्रोमोजोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो अब हम लोग का हेडिंग क्या है? मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। और इस मैच्योरेशन फेज में स्पेशली फोकस होगा मियोसिस पे। तो मियोसिस में जनरली जानते हैं कि सपोज कीजिए कि यह एक सेल मान ली, ठीक है, सेल मान लिए, एक सेल है पेरेंटल सेल, सपोज डेट मान लिए। अब इसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, जिसको क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन।
और जब रिडक्शनल डिवीजन होंगे तो क्रोमोजोम का नंबर क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो क्रोमोजोम कितने होंगे, 23। तो ये तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन है, तो रिडक्शनल डिवीजन को आप फर्स्ट मियोसिस डिवीजन भी कह सकते हैं। अब सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होगा दोनों में, अब सेकेंड डिवीजन स्टार्ट हो गया तो सेकेंड डिवीजन को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन में क्या होगा, इक्वल क्या रहेगा, क्रोमोजोम्स का नंबर। तो चलिए, तो टू न्यू सेल बने जिनके पास क्रोमोजोम का नंबर सेम है, इसमें भी सेम केस होगा कि क्रोमोजोम का नंबर सेम होगा, तो कोई कंफ्यूजन है। तो यहां पर एक पेरेंट सेल है, फर्स्ट डिवीजन हुआ मियोसिस का, जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं या फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कहते हैं, तो उससे टू न्यू सेल्स बने, एक्चुअली नाम है इनका रिडक्शनल, रिड्यूस करेंगे तो क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस करते हैं तो वह कर देते हैं हाफ, 23। सेकेंड डिवीजन कहलाता है इक्वेशनल डिवीजन, तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमोजोम्स है उसका नंबर इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। तो जब इक्वेशनल डिवीजन होते हैं तो फाइनली देख रहे हैं कितने सेल्स बन जाते हैं, 4 सेल बन जाते हैं। अब इसी कंसेप्ट का यूज हम करेंगे मैच्यूरेशन फेज में, कि जो ग्रोथ फेज था, ग्रोथ फेज में क्या बना था, याद है आपको, बताइए, ग्रोथ फेज में फॉर्मेशन किसका हुआ था, तो ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट कर गए थे। तो ये आपके हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन, तो टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ जिसके पास क्रोमोजोम्स का नंबर हाफ है। अब इस दोनों सेल को क्या कहते हैं, तो प्राइमरी है तो प्राइमरी से सेकेंडरी, ये कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इसका नंबर 2 है, कितना नंबर है, 2 है। अब ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, उसमें होता है इक्वेशनल डिवीजन, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये चारों क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटिड्स। अब आपके मन में होगा कि इसको लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करें, तो सिंपल सा है कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट्स इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। देन आफ्टर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट्स इनटू 4 स्पर्मेटिड्स विद द हेल्प ऑफ इक्वेशनल डिवीजन। कि सबसे पहले देखते हैं कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट्स इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। देन आफ्टर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट्स इनटू 4 स्पर्मेटिड्स विद द हेल्प ऑफ इक्वेशनल डिवीजन। तो कहने का मतलब कि मैच्यूरेशन फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्टार्ट हो गया और कहां पहुंच गया है, स्पर्मेटिड्स। और इससे पहले आप सभी को बता चुके थे, क्या याद कीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या बताए थे कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जो फोर्थ फेज है जिसको आप सभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज कहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पर्मेटिड्स जो हैं वह ट्रांसफर किस में हो जाएंगे, स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में, और उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फेज, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। अब हम सभी स्टडी करेंगे हार्मोन्स के बारे में, ऐसे हार्मोन्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि वह कौन कौन से हार्मोन हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे GnRH, और इनका फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH इनका फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनाडो से गोनाड आप जानते होंगे, और गोनाड में टेस्टिस और ओवरी आते हैं। तो यहाँ पर फोकस किस पे करना है, तो टेस्टिस पे करना है। तो जो सबसे फर्स्ट हार्मोन देख रहे हैं GnRH, और इसका फुल फॉर्म क्या है,
गोनाडोट्रोफिन, आर फॉर रिलीजिंग एंड एच फॉर हार्मोन। ये हार्मोन एक्चुअली रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। किससे रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से, इसलिए इनका नेम रखा गया हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जैसे आप सभी जानते हैं कि हाइपोथैलेमस को अब प्रेजेंट टाइम में मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और पहले मास्टर ग्लैंड किसको कहते थे? पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो थे वह अपने हार्मोन्स के हेल्प से अदर इंडोक्राइन ग्लैंड के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि जो हाइपोथैलेमस जो होते हैं वह अपने हार्मोन के हेल्प से पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, इसलिए प्रेजेंट टाइम में हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल कॉम्प्लेक्स को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकले वह है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और उनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? GnRH। और ये क्या है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और ये किस पे एक्ट करेंगे, ये किसको स्टिमुलेट्स करेंगे? तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसको स्टिमुलेट्स करते हैं? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उससे टू हार्मोन रिलीज होंगे, LH एंड FSH। तो LH के बारे में आप सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है LH का? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो LH हार्मोन है ये किस पर एक्ट करते हैं? तो लेडिक सेल पे। तो यहाँ पर LH में फर्स्ट लेटर क्या है? L, और लेडिक सेल में फर्स्ट लेटर क्या है? L। तो LL, तो LH किस पे एक्ट करते हैं? लेडिक सेल पे। और लेडिक सेल पे जब LH एक्ट्स करते हैं तो लेडिक सेल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन के बारे में आप सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, यह मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? तो प्यूबर्टी स्टेज में। कब स्टार्ट होता है? तो प्यूबर्टी स्टेज में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है तो मेल से रिलेटेड होंगे। तो जब मेल का प्यूबर्टी स्टेज आता है तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे थे कि LH जो हैं वह एक्ट करते हैं किस पे? लेडिक सेल पे। और लेडिक सेल्स जो होते हैं वह रिलीज करते हैं एंड्रोजन हार्मोन, और एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं वह स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि FSH है, तो FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो FSH है इसमें क्या है? S, और S से क्या है यहाँ पर? तो सर्टोली से। ऐसे क्या है? तो सर्टोली सेल। तो FSH जो है वह एक्ट करते हैं सर्टोली सेल पे। FSH एक्ट करते हैं किस पर? तो सर्टोली सेल पे। और सर्टोली सेल जो होते हैं वह कुछ रिलीज फैक्टर करते हैं, और वह जो रिलीज फैक्टर करते हैं वह फैक्टर स्पेशली किस में हेल्प करता है? स्पर्मियोजेनेसिस में। तो आपको शुरू में बताए थे स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं? जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट्स हो जाता है। तो स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में इनको सम फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है, और ये फैक्टर कहाँ से मिलते हैं? तो सर्टोली सेल से। और ऑर्डर कौन देता है? FSH। और FSH को ऑर्डर कौन दिया था? हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक्स है, फर्स्ट हार्मोन गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनाडो में टेस्टिस भी आते हैं, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वह किस पे एक्ट करते हैं? तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज टू हार्मोन करते हैं, LH एंड FSH। LH, L तो एक्ट करेंगे L सेल पे, लेडिक सेल, लेडिक सेल्स रिलीज करेंगे एंड्रोजन, एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि यह सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को कंट्रोल करता है किस में? तो मेल के केस में। उसके बाद FSH, तो FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और S फॉर क्या है? तो S फॉर यहाँ जो देख रहे हैं S, तो S से रिलेशन किसका है? सर्टोली सेल से। तो FSH एक्ट करते हैं किस पे? सर्टोली सेल पे। और सर्टोली सेल रिलीज करते हैं फैक्टर, और वह फैक्टर किस में हेल्प करते हैं? जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट्स होते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो सिंपल है कि वह फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम होगा, और साथ में स्पर्म का भी डायग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप सभी प्रयास करें, आप सभी आसानी से बना सकते हैं, और अगर बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होंगे।
तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।